तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरस। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि लैपटॉप में 3D पेन कैसे चलाते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इधर आपको गाइस ये दिख रहा होगा स्टार्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो आपको सर्च बार दिखेगा, सर्च बार पे आपको लिखना है पेंट 3D। और इधर आपको पेंट 3D दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेंट 3D की अपलोडिंग हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ चुके हैं, न्यू, ओपन एंड पेस्ट। हमको क्या करना है, हमको ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको बैक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आ सकता है, आप 3D पेन खुल चुका है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं गाइस, ये है ब्रश का ऑप्शन, ये 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट, कैनवास, 3D लाइब्रेरी। तो इनका क्या यूज होता है वो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ब्रश ब्रश पे दबाने को आपको दिखेगा ये 3 ऑप्शंस, जिस पे आप दबाने पे देख सकते हैं कि कितनी सारी ब्रश आ चुकी हैं, जिनसे आप कोई भी अपनी तरफ से ब्रश यूज ऐड कर सकते हैं। और ये आपको इधर कलर्स दिख जाएंगे, जिनमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं इफेक्ट। और आपको इधर दिख जाएगा ये ऑप्शन थिक लेयर, कितनी आपको कैपेसिटी रखनी है और कितनी ना रखनी। और उसके बाद आपको ये भी दिख जाएगा स्क्रीन का साइज़ कितना चाहिए आपको, 100 या 250, मतलब आपको आराम से दिखा जाएगा। तो गाइज अब चलते हैं अपन 2D पेंट पे। 2D पेंट पे आने के बाद आपको दिख जाएंगे ये ऑप्शंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारी शेप्स, 2D शेप्स और लाइंस आपको वगैरह वगैरह दिख जाएंगी। तो उसके बगैर आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो गाइज ये आ चुका है, और इधर आप देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से ये हो चुका है। इसके बाद अपन इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं 3D पेंट पे, जो मेरा फेवरेट है। गाइज 3D पेंट के आने के बाद आपको एक क्यूब दिखेगा, एक इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं, उन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो मॉडल आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइज आप देख सकते हैं कि अब आप कैसे एक मैन ला सकते हैं 3D शेप्स के द्वारा। और आप इधर देख सकते हैं कि इनको आप किसी भी डायरेक्शन 350 मूव कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आते हैं 3D पेंट्स के और कमाल। तो इनमें और गाइस देख सकते हैं शेप, 3D नूडल, 3D ऑब्जेक्ट, 3D मॉडल्स, आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कलर्स देखने हैं, कलर्स या आपको अनलिमिटेड कलर्स दिख जाएंगे, ऐड कलर्स, आप जो ऐड कलर्स ऐड भी कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आते हैं स्टिकर्स पे। स्टिकर्स है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी स्टिकर्स ले सकते हैं। तो गाइस मैं लेके दिखाता हूँ, मैंने एक ये वाला स्टिकर लिया है। तो इधर आपको यूज़ करके दिखाते हैं इसको। तो गाइस देख सकते हैं कितना रियलिटी दिख रहा है, कितना रियलिटी दिख रहा है, बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। टेक्स्ट जिससे आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। गाइस मैं भी ये भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हाँ बहुत, मतलब अगर यहाँ अपन लिख देते हैं SARAS सरस, तो मतलब यहाँ टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट के अंदर आपको ब्राइटनेस, लो, ओपन, आपको डिफ़िकल्ट फिल्टर दिखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद गाइज हम आते हैं कैनवास पे। तो गाइज इस पे आपको ये दिख जाएंगे, यहाँ पे शो कैनवास ऑन रखें या ऑफ, रिसाइज कैनवास विद इट हाइट, इतनी कितनी हाइट चाहिए आपको, पिक्सेबल मूव 350 मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आते हैं 3D लाइब्रेरी पर। 3D लाइब्रेरी में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ सर्च में मार सकते हैं, जैसे मैंने मारा सर्च एलिफेंट। तो गाइज इधर एलिफेंट आ चुका है। गाइज आप देख सकते हैं कितने सारे एलिफेंट आ सकते हैं, इनमें आप कोई भी, मतलब अपनी तरीके में से कोई भी शो या
पिक्चर लगा सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सरस। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि लैपटॉप में 3D पेन कैसे चलाते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इधर आपको गाइस ये दिख रहा होगा स्टार्ट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद जो आपको सर्च बार दिखेगा, सर्च बार पे आपको लिखना है पेंट 3D। और इधर आपको पेंट 3D दिख जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेंट 3D की अपलोडिंग हो रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 3 ऑप्शन आ चुके हैं, न्यू, ओपन एंड पेस्ट। हमको क्या करना है, हमको ओपन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपको बैक का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आ सकता है, आप 3D पेन खुल चुका है, आप देख सकते हैं। गाइस ये है ब्रश का ऑप्शन, ये 2D शेप्स, 3D शेप्स, स्टिकर्स, टेक्स्ट, इफेक्ट, कैनवास, 3D लाइब्रेरी। तो इनका क्या यूज होता है वो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ब्रश पे दबाने को आपको दिखेगा ये 3 ऑप्शंस, जिस पे आप दबाने पे देख सकते हैं कि कितनी सारी ब्रश आ चुकी हैं, जिनसे आप कोई भी अपनी तरफ से ब्रश यूज ऐड कर सकते हैं। और ये आपको इधर कलर्स दिख जाएंगे, जिनमें आप कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, इफेक्ट। और आपको इधर दिख जाएगा ये ऑप्शन थिक लेयर, कितनी आपको कैपेसिटी रखनी है और कितनी ना रखनी। और उसके बाद आपको ये भी दिख जाएगा स्क्रीन का साइज कितना चाहिए आपको, 100 या 250, मतलब आपको आराम से दिखा जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं अपन 2D पेंट पे। 2D पेंट पे आने के बाद आपको दिख जाएंगे ये ऑप्शंस, इस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको बहुत सारी शेप्स, 2D शेप्स और लाइंस आपको वगैरह वगैरह दिख जाएंगी। तो उसके बगैर आपको यूज़ करके दिखाते हैं। तो गाइस ये आ चुका है, और इधर आप देख सकते हैं कितने मस्त तरीके से ये हो चुका है। इसके बाद अपन इसको टेढ़ा मेढ़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद अपन आते हैं 3D पेंट पे, जो मेरा फेवरेट है। गाइस 3D पेंट के आने के बाद आपको एक क्यूब दिखेगा, एक इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं, उन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो मॉडल आपके सामने आ जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अब आप कैसे एक मैन ला सकते हैं 3D शेप्स के द्वारा। और आप इधर देख सकते हैं कि इनको आप किसी भी डायरेक्शन 350 मूव कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आते हैं 3D पेंट्स के और कमाल। तो इनमें और गाइस देख सकते हैं शेप, 3D नूडल, 3D ऑब्जेक्ट, 3D मॉडल्स, आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कलर्स देखने हैं, कलर्स या आपको अनलिमिटेड कलर्स दिख जाएंगे, ऐड कलर्स, आप जो ऐड कलर्स ऐड भी कर सकते हैं। तो गाइस उसके बाद आते हैं स्टिकर्स पे। स्टिकर्स है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कोई भी स्टिकर्स ले सकते हैं। तो गाइस मैं लेके दिखाता हूँ, मैंने एक ये वाला स्टिकर लिया है। तो इधर आपको यूज़ करके दिखाते हैं इसको। तो गाइस देख सकते हैं कितना रियलिटी दिख रहा है, ये बहुत मस्त है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। टेक्स्ट जिससे आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। गाइस मैं भी ये भी आपको ज़रा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये हाँ बहुत, मतलब अगर यहाँ अपन लिख देते हैं SARAS सरस, तो मतलब यहाँ टेक्स्ट, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं इफेक्ट पे। इफेक्ट के अंदर आपको ब्राइटनेस, लो, ओपन, आपको डिफ़िकल्ट फिल्टर दिखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद गाइस हम आते हैं कैनवास पे। तो गाइस इस पे आपको ये दिख जाएंगे, यहाँ पे शो कैनवास, ऑन रखें या ऑफ, रिसाइज कैनवास विद इट हाइट, इतनी कितनी हाइट चाहिए आपको, पिक्सेबल मूव, 350 मिल जाएंगे आपको। उसके बाद आते हैं 3D लाइब्रेरी पर। 3D लाइब्रेरी में आपको कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ सर्च में मार सकते हैं, जैसे मैंने मारा सर्च एलिफेंट। तो गाइस
तो गाइज इधर एलिफेंट आ चुका है। गाइज आप देख सकते हैं कितने सारे एलिफेंट आ सकते हैं। इनमें आप कोई भी मतलब अपने तरीके में से कोई भी शो या पिक्चर लगा सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।